ऐसा ही है, ये सच है। उसको जबरदस्ती बिठा रहा है, उसको पता नहीं है कौन सी रस्म गाय की रस्म। 10,000 चलो भाई 10,000 मांग। Hey everyone, welcome और welcome back to my channel. Hope you all are doing great. मैं भी ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है जी। गाइस, तो आप लोग मुझे तैयार देख के समझ तो गए होंगे कि मैं क्यों इतना तैयार हुई भी हूँ। जी हाँ बिल्कुल, आज लॉयड की शादी है। जिस दिन का बेसब्री से इंतजार था और इतनी तैयारियां हम लोग कर रहे थे, फाइनली वो दिन आ गया और आज है 29th December, लॉयड की शादी। सो बस अभी मैं रेडी हो गई हूँ और अभी हम लोग चर्च के लिए निकल रहे हैं। पहले चर्च में निकाह होगा, उसके बाद रिसेप्शन होगा। और मैं आपको एक खास बात बताऊँ, मेरे मामा पापा की वेडिंग एनिवर्सरी भी आज के दिन ही है 29th December, और लॉयड की शादी का डे भी 29th December है लकीली। सो बस अभी हम लोग चर्च के लिए निकल रहे हैं, तो अभी चलते हैं, देर हो रही है। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा पूरे व्लॉग तक, बहुत मजा आने वाला है। Standing onto the dance floor to please give a sign. The best man and the back, the bride man can wait here. For the family members, if you could just step down the dancing floor, please. Thank you. Chali ji, aapki taaliyan nahi rukni chahiye. Come on, let's give them a big hand. जी गाइस, तो अभी हो रही है ग्रैंड मार्च। On the first song, so please give them a big hand. Woo!
bridesmaids, please join in now. The best man and the bridesmaid. Alright, may I request the family members to please join in the आप बताओ क्रिएटिविटी वाज रियली गुड. यू सी द डमी केक, यू सी द बटन्स और वो जो भी सब बच्चों ने हाथ में पकड़े थे फ्लावर्स के, सब कुछ आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया. हाँ थैंक यू. वो सब मैंने बनाया था गाइस. गुड जॉब जी. गाइस ये है ब्राइड मेड. आज मायमा कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल डिफरेंट. थैंक यू. भाइयों और बहनों, मेरा नाम रहूम क्रिस्टोफर है और मैं लॉयड का बचपन का दोस्त हूँ. लॉयड वो शख्स है जिसने मुझे पहली बार बाइक चलाना सिखाई थी. ये एक सीक्रेट था जो कि मैं इस ब्लॉग में आपसे शेयर करना चाहता हूँ. और थैंक्स टू बीजी बाजी जिनका ये चैनल है. ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. थैंक यू गाइस. ये जो है लॉयड के बचपन के फ्रेंड है, बहुत छोटे से थे जब ये हमारे घर आते थे. और ये बीच में जो घुसी है सोनिया है, ये हर जगह घुस जाती है. और ये लॉयड के बचपन के फ्रेंड है रहूम. तो ये हैदराबाद से जो है कराची खास लॉयड की शादी अटेंड करने आए हैं. और ये लॉयड पहला बंदा था जिसने रहूम को बाइक चलाना सिखाई है. ऐसा ही है, ये सच है. और हम दो तीन बार गिरे, उसके बाद जाके आज लॉयड भी इधर है और मैं भी इधर हूँ. खुदा का शुक्र है, माशाल्लाह.
होने वाली है और अभी हम लोग बस तकरीबन जो है प्रोग्राम एंड की तरफ है। हम अभी रुखसती की तैयारी कर रहे हैं, लाइट्स भी डिम हो गई हैं और मैं लॉयड और जेनी आपको दिखाती हूँ, मिलवाती हूँ। जेनी हाय, हेलो। देखिए गाइस, आज जेनी कितनी प्यारी लग रही हैं और ब्राइड से एक अलग ही चेहरे पे नूर आता है। शी इज लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी। थैंक यू सो मच। गाइस, हम लोग जा रहे हैं हैदराबाद और इस वक्त रात के 2:30 बज रहे हैं और बस हमने रुखसती ले ली है जेनी की और इस वक्त अभी हम हैदराबाद जा रहे हैं और हाईवे पे हैं, तो बस अभी आधे घंटे में हम हैदराबाद पहुंच जाएंगे अपने घर। जी गाइस, तो हम लोग हैदराबाद फाइनली पहुंच गए हैं और इस वक्त टाइम हो रहा है 4:15 सुबह के 4:15 और हम लोगों ने बस डायरेक्ट रुखसती ली थी, डायरेक्ट हम हैदराबाद आए हैं रुखसती लेके और बस अभी पहुंचे हैं और लॉयड और जेनी अभी नहीं पहुंचे हैं, पहले हमारी गाड़ी पहुंची है, बस वो लोग भी पहुंचने वाले होंगे। तो मैं आपको दिखाती हूं कि जेनी के वेलकम के लिए हमने घर को कैसे डेकोरेट किया है, जेनी का रूम कैसे डेकोरेट किया है, तो मैं आपको दिखाती हूं। बहुत प्यारा रूम डेकोरेट हुआ है। ये एंट्रेंस है, और ये सामने रूम जो है लॉयड और जेनी का है। जी गाइस, तो जेनी आ गई हैं। वेलकम 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 टू योर ओन होम प्लीज। हाँ फिलहाल भाभी की गोदी में, अभी ये गोदी में बैठना है, गोदी में बैठना है, गोदी में। चलो भाई, उठना नहीं, मांग ले जितना लूटना है लॉयड भाई को। आज तेरे को मौका मिला है। लॉयड भाई पहले घुस गया वॉशरूम में, वॉलेट लेके घुस गया। लॉयड उठा भाई उसको अपनी बेगम की गोद में से। चलो उठाओ, उठ जा, कह रहे उठ जा। उसको जबरदस्ती बिठा रहा है, उसको पता नहीं है कौन सी रसम गाय की रसम। अभी तो पैसे मांग भाई से। चलो भाई 10,000 मांग लिया उसने, तो भाई 10 में से एक जीरो गायब कर जा, उतने ही मिल सकते हैं। 10 रुपीज लेस लेस ले लेना अभी 10 रुपीज के। चल सोटो, देखो तो सही कितने हैं। चल तो गाइस जी, हम फाइनली जेनी को घर ले आए हैं उसके अपने घर। सो बस आज का व्लॉग मैंने आप लोग के साथ शेयर किया और लॉयड वेडिंग सीरीज जो है वो अब खत्म हो गई है। सो पूरे हमने आपसे अपने व्लॉग शेयर किए लॉयड की वेडिंग के। सो फाइनली आज मेरा ये लास्ट व्लॉग है शादी से रिलेटेड। जेनी को हम लोग घर लेकर आ गए हैं
और बस उम्मीद है आप लोग को मेरा आज का भी ये शादी का व्लॉग अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है सो प्लीज डू लाइक, कमेंट बिलो, हिट द बेल आइकन बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल. मैं आपसे मिलूंगी एक न्यू व्लॉग में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें, खासतौर पर लॉयड और जेनी को. बाय बाय.